हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश वेट ट्रिक नंबर सिक्सटी फाइव तक हम ऑलरेडी वन वर्ड कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिक्सटी सिक्स से तो क्या है हमारा नंबर सिक्सटी सिक्स वन हुई एवरी थिंग प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश मतलब जो प्लांट्स भी खाता हो और क्या खाता हो जो फ्लैश भी खाता हो यानी कि मांस भी खाता हो ऐसा कोई भी जीव जो पौधे भी खाता हो और जो मांस भी खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ओमनिवरस है, ठीक है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है सर्वाहारी आप पिक्चर देखिए जैसे ये आपका बियर ठीक है अब ये घास फूस भी खाता है और ये फ्लैश भी खाता है यानी कि मांस भी खाता है तो ये दोनों चीज़ें खाता है तो ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका ओमनिवरस ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा नंबर सिक्सटी सेवन क्या है हमारा नंबर सिक्सटी सेवन अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ का क्या पॉजिटिव साइड दिखता हो चाहे कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियाँ आ जाए वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता हो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी देखिए पिक्चर देखिए देखिए सब मुरछाए हुए हैं ठीक है और एक ही स्माइली आपके पास सबका मुँह कैसा है सबका मुँह है ऐसा न्यू उल्टा मतलब दुखी वाला लेकिन एक स्माइली है वो है हंसने वाली ठीक है स्माइली तो हंसने वाली होती है तो मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेता है हर चीज़ की ब्राइट साइड ढूंढ लेता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया है कि उन्हें कितना भी खुश करना चाहो पर वो कभी खुश होते ही नहीं है वो हमेशा क्या ढूंढते हैं कि वो नेगेटिव साइड ढूंढते हैं वो पॉजिटिव रहना जानते ही नहीं हैं तो जो पॉजिटिव रहना जानते हैं जो हर चीज़ का पॉजिटिव साइड ढूंढ लेते हैं जो आशावादी होते हैं वही क्या कहलाते हैं हमारे ऑप्टिमिस्ट कहलाते हैं ठीक है ठीके? और इसका अपोजिट क्या होता है इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्ट जो कहलाते हैं निराशावादी आई होप समझ में आ गया हो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सिक्सटी एट नंबर का क्या है हमारा सिक्सटी एट नंबर का वन हु हैज लॉस्ट वन पेरेंट्स क्या मतलब मतलब जिसने अपने माता पिता को खो दिया हो जिस बच्चे के ना माँ हो और ना ही बाप हो वो क्या कहलाता है वो आपका कहलाता है अनाथ और इसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑफन ठीक है आप पिक्चर देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे देखिए ये क्या है एक बच्चा है ठीक है अब ये क्या है ये फैमिली ट्री है अब फैमिली ट्रेस के लिए क्या है बिल्कुल बेकार है क्यों है बेकार अब इसकी फैमिली ट्री में इमेजिनेशन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन उनका कोई फेस नहीं है क्यों क्योंकि ये क्या है ये ऑलरेडी क्या है ऑफन है ठीक है एक अनाथ है इसीलिए क्या हो गया जिसका कोई भी ना हो जिसके माँ बाप ना हो वो क्या कहलाता है वो आपका अनाथ कहलाता है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सिक्सटी नाइन नंबर का क्या है हमारा सिक्सटी नाइन नंबर का वन हु लव्स मैन काइंड क्या मतलब जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लैंथ्रोविस्ट ठीक और हिंदी में क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है परोपकारी अब ये देखिए पिक्चर देखिए अच्छे से और समझ जाएंगे आप देखिए मानिए कि इस व्यक्ति को इस चीज़ की इस इतने पार्ट की ज़रूरत है ठीक है और इस व्यक्ति ने क्या किया अपना ये वाला पार्ट निकाल के इसे ये दे रहा है क्यों दे रहा है भाई जबकि जरूरत तो इससे भी है क्यों क्योंकि ये मानव जाति से प्रेम करता है इसे पता है कि भाई इसको ज़्यादा जरूरत है तो इसने इसे ये पार्ट निकाल के दे दिया मतलब जो इंसान इंसान से प्यार करता है वही आपका क्या हो गया परोपकारी हो गया फ्लैंथ्रोपिस्ट हो गया ओके जिसके अंदर परोपकार की भावना भरी होती है जो अपने से ज़्यादा किसी और के बारे में सोचता है वही आपका क्या कहलाता है परोपकारी आई होप समझ में आ गया हो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेवेंटी नंबर का वन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वूमेन मतलब जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता है या करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्लॉजनिस्ट क्या बोलते हैं फ्लॉजनिस्ट यानी कि स्त्रियों से प्रेम करने वाले स्त्रियों के बारे में सोचने वाले महिलाओं के बारे में सोचने वाले या उनके वेलफेयर के बारे में सोचने वाले उनके कल्याण के बारे में सोचने वाले को ही हम क्या बोलते हैं फिलॉजनिस्ट अभी देखिए ये महिला है ठीक है अब इसे सब क्या कह रहे हैं ठीक है गुड वेरी गुड जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहा है ठीक है इसको सब क्या कर रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं वही क्या हो गया आपका फिलाजनिस्ट हो गया आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच